हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल अनमोल के श्री। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिसोल टायर बेस्ट रहेगा या फिर कंपनी वाला टायर बेस्ट रहेगा। मतलब नया टायर जो बेस्ट रहेगा, जो डायरेक्ट कंपनी से आता है वो बढ़िया रहेगा। जैसे बहुत कुछ सोचते हैं कि रिसोल टायर लगवा लेते हैं कम पैसा के चक्कर में, ठीक है, तो उन्हें मालूम नहीं होता कि बाद में फिर क्या इसका नुकसान है। कहीं से देख लिए, कुछ बता दिया कि रिसोल टायर लगवा लो, रिसोल करवा लो, उसके बाद टायर को चलाओ चलेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिसोल टायर कैसा रहता है और आपको कौन सा टायर लेना चाहिए और कितना का डिफरेंस है, पैसा में कितना का अंतर है नया टायर और रिसोल टायर में। तो आपको यही जानकारी देना है, तो वीडियो में बने रहिए। गाइस, यहाँ पे जैसा की बात करें, ये देख सकते हो आप रिसोल टायर है और इन दोनों टायर का जो गोटी है वो सेम है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये रिसोल टायर का गोटी और इसका गोटी लगभग लगभग दोनों का सेम है। मतलब यही गोटी का कॉपी करके इस पे चिपकाया गया। आप ध्यान से देखिएगा रिसोल टायर को। तो रिसोल टायर में यहाँ पे देखिए, रिसोल टायर को यहाँ पे देखिए, ये जो है ग्रिप लगाया हुआ है ऊपर से। तो आपको ध्यान से देखना है, अगर कोई आपको दुकानदार बेवकूफ बना रहा है, रिसोल टायर दे दे रहा है और ओरिजिनल टायर का पैसा ले रहा है और रिसोल टायर दे रहा है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपको लगेगा कि ऊपर से चढ़ाया हुआ है, चिपकाया हुआ है। तो आपको इसी से पकड़ना है रिसोल टायर को, ठीक है। और वही मतलब नया टायर की बात करें, ये नया टायर में आप देख सकते हैं, इसमें कहीं से भी आपको ये चिपकाया हुआ नहीं लगेगा। मतलब ये जो है कंपनी फिटेड रहता है और बहुत ही साफ सुथरा रहता है। नया का बात ही क्या करना। तो रिसोल टायर का जो क्वालिटी है वो भी बढ़िया नहीं रहता है। अगर आप इस टायर को अपने बाइक में डला लेते हैं और कहीं लंबे सफर में भी चले जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा दूर चल जाते हैं, जैसे 150 किलोमीटर का अगर आप सफर तय कर रहे हो, तो अगर आपका टायर हीट हो गया तो आपका क्या होगा, ये जो ग्रिप है ना, ये छोड़ने लग जाएगा, ये उखड़ जाएगा। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि कब धोखा दे दे, मतलब कभी भी आपको धोखा दे सकता है। चलते अगर फट उठ गया तो फिर एक्सीडेंट होने का डर है। तो बहुत सारा इसका नुकसान है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको रिसोल टायर नहीं लेना चाहिए। अब प्राइस में क्या अंतर रहता है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहता। जैसे कि ये वाला टायर जो है ये पड़ता है आपका 1500 रुपये में, ठीक है। अब ये वाला जो टायर आपका लगभग लगभग फिट उठ करके ट्यूब, इसमें देख रहे हैं आप ट्यूब नहीं है, तो ट्यूब लगा के आपका लगभग लगभग ये 700-800 मोटा मोटी 1000 रुपये पड़ेगा। ये 500 का अंतर है। चलने की बात करें तो ये लगभग आपका 6-7 हज़ार चलेगा, वो भी मुश्किल से चले या ना चले उसका गारंटी नहीं। और ये जो टायर है ये तो आपका समझ ही रहे हैं 30 हज़ार आराम से ये चलेगा। तो ये दोनों में अंतर है, 500 का अंतर है। 500 के चलते आप क्यों रिसोल वाला टायर लो, ठीक है। कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, ये टायर कभी भी फट सकता है, समझ रहे हैं ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।